हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज मैं बताने जा रहा हूँ दिल्ली के पांच बेस्ट कपल प्लेसेस के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज आपको बताते हैं जहाँ आप कपल के साथ जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, नंबर फाइव पे रखा है मैंने लोधी गार्डन को, जो कि 90 एकड़ में फैला हुआ है। और नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन की बात करें तो इसका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है जोरबाग। और पार्किंग की बात करें तो पार्किंग फ्री ऑफ कॉस्ट है। एंट्री फीस भी इसकी यहाँ की फ्री ऑफ कॉस्ट है। टाइमिंग की बात करें तो टाइमिंग बहुत ही अच्छी बढ़िया है, 7 AM to 7 PM है। अगर आप कपल के साथ आते हैं तो संडे को इग्नोर ही करें, क्योंकि यहाँ फैमिली भी आती है। यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है, यहाँ बहुत क्राउड रहता है संडे को। तो संडे को तो आप कपल इग्नोर ही करें मेरी तरफ से। बाकी यहाँ पे प्यारी सी एक झील भी है जिसका भी आप लुत्फ़ उठा सकते हैं, आपको यहाँ अच्छा लगेगा। घूमिएगा और बताइएगा। दोस्तों, नंबर फोर पे रखा है मैंने होज खास फोर्ट, जिसकी एंट्री फीस है 20 रुपीज़ और साथ में ये है डियर पार्क। तो ये मैंने चौथे नंबर पे इसलिए रखा है, यहाँ पे बहुत ही अच्छी झील है और यहाँ पे जो फोर्ट है वो भी बहुत प्यारा है। यहाँ बहुत कपल आते हैं, यूट्यूबर्स आते हैं, वीडियो बनाते हैं। तो बिल्कुल आप यहाँ का आनंद उठा सकते हैं। इसका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन जो होगा IIT गेट या होज खास या ग्रीन पार्क से आप ई रिक्शा या ऑटो से आ सकते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे झील है, पार्क है, डियर्स मिलेंगे आपको देखने को। यहाँ बहुत सारी शॉप है, अगर आप रात को आते हैं तो रात को तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। यहाँ बहुत सारे बार हैं और पब हैं, तो रात में आप ज़्यादा लुत्फ़ उठा पाएंगे। दोस्तों, नंबर थ्री पे है हमारा अपना पुराना किला, जो कि प्रगति मैदान से लगा हुआ है। इसका नियर मेट्रो स्टेशन की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट है। पार्किंग की बात करें तो पार्किंग यहाँ दोस्तों देनी पड़ेगी 25 रुपये और एंट्री फीस भी आपको 20 रुपये। यहाँ ये सिर्फ एक कपल पार्क है, यहाँ हर जगह झाड़ियाँ हैं, हर जगह कोने हैं जहाँ पर कपल आपको दिख जाएंगे। बड़ा हरामी हो, तो आप बिल्कुल आ सकते हैं अपने कपल के साथ और आराम से घूमिए, रहिए, इंजॉय कीजिए। तो ये बहुत ही प्यारा है, यहाँ सिर्फ कपल के लिए ही है, तो ज़रूर आइएगा। दूसरे नंबर पर रखा है मैंने ओखला बर्ड सेंचुरी। ये दिल्ली नोएडा का बॉर्डर है। यहाँ अगर पार्किंग की बात करें तो थोड़ा पार्किंग का इशू है। नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन ओखला बर्ड सेंचुरी ही है, ये ऑल डे ओपन रहता है। और एंट्री फीस की बात करें दोस्तों तो इसकी 30 रुपये एंट्री फीस रहेगी। बहुत ही अच्छा प्लेस है, बहुत ही पीसफुल प्लेस है। अगर आपको पीसफुल पसंद है तो आ सकते हैं, आप बर्ड लवर हैं तब आ सकते हैं, अगर आप नेचर लवर हैं तब भी आ सकते हैं। यहाँ एक बड़ी सी झील मिलेगी, आप बर्ड्स देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत शांति, बिल्कुल मज़ा सा आ जाएगा। और यहाँ पे एक पास में ही एक कैंटीन है जहाँ चाय नाश्ता कर सकते हैं। तो बिल्कुल मेरे तरफ से तो आप आइए घूमिए। ठीक है दोस्तों, और नंबर वन पे रखा है मैंने फाइव सेंस को, जो कि साकेत में है। और इसका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन भी साकेत है। यहाँ की अगर टिकट की बात करें तो 35 रुपये टिकट है। पार्किंग की बात करें तो 20 रुपये पार्किंग है, अच्छी खासी पार्किंग है। पर यहाँ पे कोई कैंटीन नहीं है और ये कपल के लिए बेस्ट पार्क है, बहुत ही बेस्ट रहेगा। यहाँ घूमने के लिए भी सही है और कपल के लिए यहाँ पर बहुत सारी जगह हैं, कोने हैं, झाड़ियाँ हैं, जहाँ कपल आराम से बैठ के बात करते हैं अपना जो भी है। समझ रहे हो? तो बिल्कुल बढ़िया, सबसे बढ़िया जगह आपके लिए फाइव सेंस रहेगी। अगर आप दिल्ली आते हैं, कपल हैं, तो आप बिल्कुल यहाँ पे घूम सकते हैं।
लास्ट तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और बताएं।